Hey guys, Hare Krishna and welcome back to another part of Nainital trip. हम लोग घूम फिर के फिलहाल आ चुके हैं नीम करौली बाबा के आश्रम में. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, मैंने लास्ट पार्ट को एज यू नो डबल पार्ट में कर दिया है. फिलहाल अभी हम लोग आए हैं नीम करौली धाम पे. सब लोग अंदर जा चुके हैं, मैं भी बस जा ही रहा हूँ. तो दोस्तों अंदर मंदिर के दर्शन हम लोग के हो गए हैं. अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था यूज़ करने, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया नहीं. हम लोगों को मिला है प्रसाद, ये देखो हलवा है इसके अंदर. अच्छा लगा मंदिर में जाके. अब देखो नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे जाने वाले. आई थिंक मे बी अब कैंप जाने का टाइम हो गया क्योंकि 6:15 बज रहा है. चलो देखते हैं फिर अभी कहाँ जाते हैं. A few hours later. दोस्तों सारा दिन वेट करने के बाद थक हार के हम लोग आ चुके हैं फाइनली कैंप में. यहाँ का नज़ारा ये देखो यार, क्या नज़ारा है. ये नदी है, ये बना है ब्रिज. हम लोग इस साइड उतरे थे इसके ऊपर, ब्रिज से क्रॉस करके उधर जाना है. वहाँ पे सामने हमारा कैंप है. ये सब की चीज़ है. हाँ क्या मतलब नज़ारे हैं यार यहाँ के. इधर यहाँ थोड़ा बैठने के लिए जगह दी हुई है. A few minutes later. दोस्तों फिलहाल रात हो चुकी है तो अब सारी व्लॉगिंग रात की होगी. आप इधर का सीन देखो, फिलहाल बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का. सब ग्रीन ग्रीन है, टेंट लगे हुए हैं सारे. हाँ वाइड एंगल स्विच करूँगा तो ऐसा कुछ आएगा, इसलिए आप नॉर्मल कैमरे से ही बनेगी. यार बड़ा ही ऑसम व्यू है यहाँ का. ऐसा कुछ है अंदर टेंट. उसमें मिलेगा एक और. तो दोस्तों देख लो फायर जल चुकी है. अब सब लोग इधर आके बैठ चुके हैं फायर के पास. धीरे धीरे अभी लंच डिनर भी करना बाकी है. तो पैकेज के हिसाब से आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? महंगा अच्छा लगा है, बढ़िया है, ठीक है. मतलब 1,000-1,500 का फर्क है, लेकिन सब कुछ चीजें आपको मैनेज नहीं करनी, सब आपको करी कराई चीजें मिल रही है. सही है, सही है. तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो आ सकते हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि कैंपिंग और ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो अच्छी चीज़ है. हालांकि पैसा ज़्यादा नहीं डिफरेंस है, बट हाँ आपको फुल एंजॉयमेंट मिलने वाला है. अभी फिलहाल जब डिनर करने जाएंगे तो आगे का भी दिखाएंगे. जैसे सामने म्यूज़िक चल रहा है, डांस चल रहा है, ये चीज़ें भी हैं सारी. तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब खाना खाने के लिए. सबके प्लेट्स लग चुके हैं और फिलहाल हम लोग खाना खा के देखेंगे यहाँ का टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये बफे सिस्टम है. ये सारे ही हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था. अच्छा है, चलो खा के देखते हैं फिर. अभी A few minutes later. So guys, हम लोग का डिनर हो चुका है और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, वैल्यू फॉर मनी था. अभी सब लोग यहाँ बैठ चुके हैं, अंदर डांस चल रहा है. तो अदर भी लोग भी हैं, वो लोग भी कह रहे चलो सब साथ में डांस करते हैं. क्या बोलती हैं, आपको खाना कैसे लगा? खाना तो बहुत एक नंबर मस्त था. जो हम लोग ने सुबह खाया था उससे भी ज़्यादा अच्छा था. पनीर भी बहुत अच्छी थी, दाल तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी, और रोटी भी मस्त ही थी, और चावल भी पुलाव वाले चावल थे, और क्या था सलाद था, और सूखी सब्जी तो चुम्मेश्वरी. मतलब देख रहे हो अगर आप नैनीताल को आ रहे हो तो यहाँ पे ये पैकेजेस लो, वैल्यू फॉर मनी. अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं डांस करने. चलो सो गाइस, अपना डांस वांस भी हो चुका है, डिनर तो ऑब्वियसली हो ही गया था. तो अभी फिलहाल कुछ ऑब्वियसली रात होगी तो कुछ करना नहीं होगा. तो ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, मिलते हैं कल. कल का व्लॉग आएगी, विल ट्राई टू मेक इन अ सिंगल वीडियो. सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना कर लेना यो अभय 001। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।